पर चल रहे किसान आंदोलन में आज महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से महाराजा सूरजमल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एमएसओ की ओर से हवन यज्ञ किया गया एवं महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। इस मौके पर महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने बताया कि महाराजा सूरजमल द्वारा हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए अनेकों कार्य किए गए। महाराजा सूरजमल का इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा, इसीलिए उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज उनको याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में हवन यज्ञ कर सरकार से यही अनुरोध किया जा रहा है कि किसानों की बातों को ध्यान पूर्वक सुना जाए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इस अवसर पर महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से टोल प्लाजा पर बैठे किसानों के लिए गाजर के जूस का भंडारा भी लगाया गया। यहां हम आपको बता दें कि पिछले काफी समय से किसान कृषि बिल के विरोध में आंदोलनरत है, उसी कड़ी में करनाल के समीप घरोंडा टोल प्लाजा पर आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि हर वर्ष महाराजा सूरजमल की जयंती बड़े स्तर पर करनाल में आयोजित की जाती थी, परंतु किसान आंदोलन को लेकर इस बार यह कार्यक्रम घरोंडा टोल प्लाजा पर किया गया। इस अवसर पर महाराजा सूरजमल के जीवन पर आधारित गीत भी प्रस्तुत किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें टोल प्लाजा से एमएसओ ग्रुप द्वारा महाराजा सूरजमल जयंती हवन यज्ञ के साथ मनाई गई है। एमएसओ ग्रुप के युवा आज भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। हम उनसे सीधी बात करते हैं कि आज क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज महाराजा सूरजमल जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने आह्वान करवाया यहाँ किसानों के शांति सुख शांति के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? भाई यही कहना चाहेंगे, किसान डटे हुए हैं, नौजवान साथ है, सब तन मन धन से सब साथ हैं, सब कोई। महाराजा सूरजमल का क्या योगदान था, क्या कुछ उनका इतिहास है थोड़ा बताइए। महाराजा सूरजमल जी हिंदू सम्राट थे और उन्होंने बहुत 80 लड़ाइयां लड़ी हैं, एक भी नहीं हारी है। और दिल्ली में एक पंडित जी की लड़की के पीछे दिल्ली पे चढ़ाई कर दी थी। हाँ जी, तो आज क्या क्या प्रोग्राम आपके एमएसओ ग्रुप? आज हमारा हवन के बाद अनशन पे बैठने का है, उसके बाद हमारा लंगर चल रहा है गाजर का और कीनू का शाम तक। कुछ सरकार को संदेश भेजना चाहेंगे? भाई यही संदेश भेजना चाहेंगे, अपने तीनों कांडे कानून जल्द से जल्द वापस लो। हाँ जी, आज हमारे युवा साथी हैं, महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक नया संगठन है जिसमें हमारे सारे युवा साथी हैं और ये पिछले कई वर्षों से महाराजा सूरजमल जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाते आए हैं। पहले ये प्रोग्राम हमारे जाट भवन सेक्टर 12 में होता था, इस बार क्योंकि हमारे किसानों का आंदोलन छिड़ा हुआ है और हमारे जो महाराजा सूरजमल थे हमारे जाट समाज के एक अजय सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी लड़ाई नहीं हारी है, अजय सम्राट हैं, तो उनकी जो जयंती है हम हर वर्ष मनाते हैं। इस बार इस किसान आंदोलन की वजह से हमें धरने पर बैठना था हमारे सारे ग्रुप ने, तो हमारा सारा समाज आज यहाँ पे धरने का समर्थन करते हैं हम, और इन युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए हमारा सारा जाट समाज जाट कार्यकारिणी यहाँ उपस्थित हुई है। भाई ये बच्चे अब उस पर बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे और हम इनको उत्साह इनको बढ़ाने के लिए हमारा सारा समाज सारा किसान बिरादरी यहाँ पे 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है ताकि इन बच्चों का हौसला बढ़ा रहे। सरकार को यही मैसेज है कि अपनी हठ धर्मिता को छोड़ के जो ये किसानों पे काले कानून थोप रहे हो आप, ये वापिस ले लो। और एमएसपी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी है रहेगी, अरे भाई रहेगी ये मानते हैं हम, लेकिन कितनी स्टेटों में है, मतलब लेक लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ बातों का खड्डा खा रहे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो हम यही प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि भाई जो ये काले कानून हम पर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं ले लो। किसान जब धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है ना, तो वो हर तरह से तैयार है किसी भी संघर्ष के लिए। हम अपने हकों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे, इसके लिए हमें एक साल क्या 10 साल क्या सारी उम्र भी अगर हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे और ये कानून वापस करा के रहेंगे, ये हमारा निवेदन। यही संदेश देना चाहूँगा कि आज महाराजा सूरजमल जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हवन था और एमएसओ की तरफ से गाजर के जूस की सेवा है शाम तक, और हमारा ग्रुप आज अनशन पर बैठेगा और सरकार से निवेदन है अपनी हट छोड़ के किसानों के जो तीनों काले कानून है वापस लें।
महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा महाराजा सूरजमल नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सूरजमल तेरा नाम रहेगा। महाराजा सूरजमल की आज हमारे महाराजा सूरजमल जी का जन्मदिन है, जिसके अवसर पर वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जिनकी कभी हमेशा विजय रही, आज उनके उपलक्ष्य में एमएसओ ग्रुप ने एक ये छोटी सी सेवा की है जो कि सभी किसानों के लिए, सभी भाइयों के लिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं महाराजा सूरजमल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, और आज हम सब यहाँ पहले हवन किया है, उसके बाद हमारा सारा दिन जो उसका लंगर चलेगा आज, और जितने भी हम साथी इकट्ठे हुए हैं, हम स्टार्टिंग से लेकर के अब तक 80 दिन हो चुके हैं जो किसान आंदोलन चले हुए हैं, तो उसके बाद हम लगातार चले हुए हैं ऐसे ही किसान आंदोलन के समर्थन में, और ऐसे ही हम अपना दिल्ली जाते रहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर जाते रहते हैं, यहाँ पर दिनों दिन अपना काम करते रहते हैं, और जितना हो सकता है अपने ग्रुप की तरफ से हम ऐसी सेवा कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन अपना कार्य कर रहे हैं, ये हम अपना बताना चाहते हैं आज। और महाराज सूरजमल के उपलक्ष्य जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम दोबारा से यहाँ पर एकत्रित हुए, हवन किया और लंगर चलाएंगे, अभी यहाँ सेवा करेंगे। ये पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है और सरकार तानाशाही को और इनको यही मैसेज देना चाहते हैं, ये योद्धा ये नौजवान जागृत हो चुके हैं, और आज जयंती पर जो यही किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, अभी आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है, राजस्थान में भी कल से टोल टैक्स फ्री हो गए हैं, तो ये मजबूती से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये पगड़ी और ये नस्ल ये फसल इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज पगड़ी पहन करके सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि एमएसओ ग्रुप द्वारा आज यहाँ हवन यज्ञ किया गया है, हड़ताल पर बैठेंगे 5 व्यक्ति आज हड़ताल पर बैठेंगे, महाराजा सूरजमल जी की जयंती आवाज मनाई गई है, आंदोलन और तेज करने के लिए आह्वान किया जा रहा है, हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ, हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पूरे किसान यहाँ पहुँचे हैं, और किसान आंदोलन में अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। दिनेश है कि पिछले 2 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वही पूरे हरियाणा के टोल प्लाजा पर भी आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसी कड़ी में आज एमएसओ ग्रुप के आज यहाँ पर बैठे हैं। आज कुछ कहना चाहिए, आज कुछ नहीं कहना सर, सबकी एकता में सबका बल को मोदी को डिगाने के लिए तीनों कानून वापिस देने के लिए बैठे हैं, वापिस ले इतने बैठे रहेंगे हम, ये मोदी ने ईमानदारी है, देश के लिए बीमारी है, उम्मे की बीमारी है, जो आप में सरकारी है और दुनियादारी है, आज अच्छा भारत शर्मा महाराज सूरजमल किसमें बैठे, किसान धरने पे किसानों के उसमें बैठे हैं बोखड़ताल, संजय सिंधु जी तीनों काले कानून सरकार जल्द से जल्द वापस करे, इसके लिए हम अनशन पर बैठे हैं, किसानों के समर्थन में बैठेंगे। तो आप देख रहे थे कि बड़ी संख्या में युवा यहाँ अनशन पर बैठे हैं, किसान आंदोलन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और यह आंदोलन जब तक चलेगा जब तक बैठेंगे, कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते। आज महाराजा सूरजमल की जयंती के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ किया गया, और एमएसओ ग्रुप के युवा पूरा दिन यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। मैं सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस, करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.